गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इजी कुकिंग एट होम। चलिए बनाते हैं मसाला चना नाश्ते के लिए। इसके लिए हम लोग एक कुकर ले लेंगे और कुकर को इंडक्शन या गैस पे चढ़ा देंगे। देखिए मेरे चने हैं जो मैंने रात भर भिगो दिए थे, इनका पानी मैंने निकाल दिया है। अब इस कुकर में मैं आधा टेबल स्पून सरसों का तेल डालूंगी। अगर आप सरसों का ना इस्तेमाल करें तो जो भी तेल आप कुकिंग में यूज़ करते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा फ़ोन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था, शायद आप लोग को परेशानी हो तो सॉरी। अब हमारा तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम लोग जीरा चटकने डालेंगे और चटकने तक का इंतज़ार करेंगे। जब हमारा जीरा भुन जाएगा तब इसमें हम हींग डाल देंगे। हींग डालते ही एक खुशबू से फैल जाती है घर में। अब इसमें हम कटी हरी मिर्च डाल देंगे और अच्छे से भूनेंगे। जब तेल, जीरा, हींग, मिर्च एक साथ भुनती है तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है। अब इसमें हल्की सी हींग हम लोग हल्दी डालेंगे पिसी हुई, और जो मैंने रात में चने भिगो दिए थे वो भी मैंने डाल दिए हैं। और इनको पहले हम धीमी आंच पे अच्छे से भूनेंगे लगभग 1 से 1.5 मिनट तक। अब हम लोग अपनी गैस की या इंडक्शन की का टेम्परेचर थोड़ा कम कर लेंगे, आंच को थोड़ा कम कर लेंगे। और अब हम कुछ सूखे मसाले इसमें ऐड करेंगे। पहले हम एक थोड़ा सा उसमें भून लें अच्छे से। और सूखे मसालों में हम लोग पिसी धनिया, पिसी लाल मिर्च, ये बाजार का चना मसाला है पिसा हुआ। अगर आपके पास ना हो तो छोले मसाला इस्तेमाल कर लीजिए, वो भी ना हो तो 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाल दीजिए। और स्वाद अनुसार नमक, जो भी आपके घर में जिस हिसाब से नमक खाया जाता हो उस हिसाब से आप नमक डाल लीजिए। और इन मसालों को अच्छे से मिला के चने को भूनिए। ध्यान रखिएगा इस समय जो गैस की आँच है या इंडक्शन की, वो थोड़ा धीमी रखिएगा। अब हम लोग पानी डालेंगे और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि चने हमारे पूरे भीग जाने चाहिए, चने से थोड़ा सा ऊपर पानी होना चाहिए। और पानी और चने को अच्छे से मिला लेंगे। कम पानी मत रखिएगा और ना ही बहुत ज़्यादा, कम पानी से चने सूख जाते हैं और बहुत ज़्यादा पानी रखने से चने का जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो भी चने के टेक्सचर को चेंज कर देती है। अब हम लोग भुना जीरा और कुटी काली मिर्च इसमें मिलाएंगे जब हमारे चनों में उबाल या बॉयल आ जाएगा। जब हमारे चने बॉयल होने लगेंगे, उसमें उबाल आ जाएगा, तब हम लोग इसमें कुटी काली मिर्च और जीरा मिलाएंगे। अब हम लोग कुकर को बंद कर देंगे और 3 सीटी आने के बाद गैस धीमी कर देंगे और लगभग 3 से 4 मिनट बाद हमारे चने उबल जाएंगे। देखिए मेरे चने उबल गए हैं, मगर अभी भी आपको पानी दिख रहा होगा। परेशान मत होइए, पानी ना फेंकिएगा और ना ही परेशान होइएगा कि ये मेरे कैसे चने बन गए हैं। इस पानी का भी एक राज है। अब इस पानी को हम लोग तेज आंच पे सुखाएंगे। जब ये पानी सूखेगा तो एक मसाले के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारे चनों को और भी स्वादिष्ट कर देगा और हमारे जो चने हैं उनसे लिपट जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं पानी कम क्यों नहीं डालते। कम पानी, मैं पहले बता रही हूँ, चने बहुत ज़्यादा रूखे हो जाते हैं। और ये जो पानी होता है इसका जब सूख जाता है तो देखिए कितना सुंदर हमारे चने लग रहे हैं और ये टेस्ट में भी उतने अच्छे होंगे, क्योंकि ये जो पानी है इसमें मसाला मिला हुआ था, सारे मसाले हमने डाले थे जो पहले, वो पानी में मिल गए थे और वो एक भुने मसाले की तरह चनों के साथ मिल गए हैं। देखिए कितने बढ़िया चने लग रहे हैं, मगर अभी ये पूरे नहीं हुए, अभी इन्हें हमें 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनना है जिससे मसाला हमारा अच्छे से चनों में मिल जाए। अभी हमारे चने देखिए तैयार हो गए, मैंने एक बोल में निकाल लिया। अब इसमें हम कटी हुई प्याज, कटी हुई धनिया और कटी हुई मिर्च मिलाएंगे, साथ में आधा नींबू निचोड़ेंगे। नींबू किसी भी खाने में पहुंचता है तो एक अलग ट्विस्ट देता है।
तो यही चीज़ ये चनों के साथ करेगा। और फिर इसमें हम लोग भुना कुटा जीरा डालेंगे और चाट मसाला। ये चाट मसाला बाजार का ही है। अब अंत में हम हल्की सी लाल मिर्च डालेंगे। अगर आप लोग ना चाहते हो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इन मसालों को अच्छे से हम लोग चने में मिला देंगे। देखिए कितने बढ़िया चने बन गए हैं, हमारा सुबह का हेल्दी नाश्ता। आप लोग तेल का मेजरमेंट थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपके घर में खाया जाता हो, क्योंकि आजकल स्वास्थ्य के हिसाब से भी थोड़ा बहुत अंतर है।